मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, सो आई एम टेकन अबैक, सो लेट मी गेट माई कंपोजर बिफोर आई स्पीक समथिंग। वैसे भी ये मौका कोई भाषण देने का है नहीं, और भाषण देने की बीमारी तो हमारे देश में आम है। लोग, हमारे जो नेता लोग एक बार स्टेज पर आते हैं, माइक पकड़ते हैं, माइक के साथ चिपक जाते हैं, बोलते रहते हैं, नतीजा ये होता है कि बोलने वाला बोलता रहता है और सुनने वाला सोता रहता है। खैर, मुझे दादा ने यहाँ इनवाइट किया और मुझे हकीकत में पूरी डिटेल नहीं मालूम थी क्या ओकेजन है, पर चूंकि मेरी बीवी ने डंडा किया तो मुझे जाना पड़ा, तो अल्टीमेटली मकसद तो पूरा हो ही जाता है। मुझे ये ज़रूर कहूँगा कि हम कलाकार, हम एक्टर लोग लोगों को सपनों की दुनिया दिखाते हैं, पर ऐसे लोग जो इतना बढ़िया काम करते हैं, मैं अपना सर झुका के उनको सलाम करता हूँ जो दुनिया को हकीकत दिखाते हैं। ऑफ कोर्स ये कमर्शियल आर्ट है, तो इसका मतलब कॉमर्स और आर्ट का मिश्रण दोनों मिलाकर ही होता है। अगर आप बहुत सोशल मैसेज की फिल्म बनाएंगे तो अगर वो सब तक नहीं पहुँचेगी तो मीनिंगलेस है। तो इफ़ यू गेट ए गुड स्टार, बिग स्टार, तो बात तो बहुत लोगों तक पहुंचती। जैसे आमिर ने किया था, उसने एक फिल्म डायरेक्ट की थी बच्चों की, तारे ज़मीन पर। अगर वो किसी विदाउट स्टार का से बनती तो शायद इतने लोगों तक नहीं पहुंचती। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, उसमें कॉमर्स अच्छी तरह जुड़ना चाहिए, तो ये बात आगे पहुंचती है, सब तक पहुंचेगी।